नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सबको जो भी मार्गदर्शन किया है विषयों के बारे में, जीवन किस तरीके से जीना है उसके बारे में, मोक्ष के बारे में, इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले का जो भाग था दोस्तों, उसमें हमने इस पर चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तरीके से कहा था कि जो विषय है वो इंसान का पूरी तरीके से पतन करते हैं, उसको इन सारी चीज़ों से मतलब इतना उसमें लिप्त करा देते हैं कि ऐसी जो इंसान है वो हो सकता है कि नरक के द्वार पर ही चला जाए। आज के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जो आत्मसंयमवान इंसान है, मतलब ऐसा इंसान जो अपने आप पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, ऐसा जो इंसान है वो राग से द्वेष से रहित होकर इन सारी चीज़ों को वश में ही हुई इंद्रियां, मतलब जो खुद इन सारी चीज़ों में अपने इंद्रियों को वश में करता है और उसके साथ विषय को भोगता है, ऐसा जो इंसान है वो मन में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। ये बात कुछ इस तरीके से है। इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे इसके पहले भाग में हमने देखा था कि काम, क्रोध और जो लोभ है दोस्तों, वो ज़्यादातर इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक पापी इंसान बना सकता है। लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो उसके जीवन में, मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम, क्रोध और लोभ, ये जो बातें हैं वो थोड़ी महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। इसको मैं आपको समझा के कहता हूँ। जैसे हम काम की बात करें तो इंसान की आगे की जो जनरेशन है उसके लिए वो कहीं ना कहीं जहाँ पर वो अधिकृत है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को उसको उसके लिए इस्तेमाल करना ही होगा। अगर हम लोभ की बात करें तो अगर कोई इंसान लोभ ही उसमें ना होगा तो वो अपने घर चलाने के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों से विरक्त होकर वो कहीं जाने की भी कोशिश कर सकता है। मतलब क्या है कि लोभ जो है, जहाँ पर हमारा घर चलाना है, जहाँ पर हमारे कुटुंब को, हमारे परिवार को हमें पाल पोसना है, तो ऐसे समय में उस काम के प्रति या फिर कुछ मिलने के प्रति कुछ कार्य करना वो हमारे लिए एक धर्म की ही बात है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना ही होगा। मतलब ये जो बातें हैं इसको हम पूरी तरीके से बुरा नहीं कहते, लेकिन जो बात ज़रूरत से ज़्यादा है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जैसे हम अपने घर चलाने के लिए हमारे मन में लोभ है, लेकिन आगे क्या होता है कभी कभी कि इन सारी चीज़ों में इंसान इतना लिप्त हो जाता है, उसका जो हव्यास है, उसकी जो आसक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और ऐसा जो इंसान है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पाप करते करते आगे चला जाता है। इस पाप के खाई में दोस्तों वो इतना नीचे गिर जाता है कि वहाँ से ऊपर उठना उसके लिए कभी कभी संभव नहीं होता। तो ऐसी जो बातें हैं भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि इन सारी विषयों को मुझमें तो लिप्त होकर इन सारी विषयों को, इन सारी बातों में जहाँ पर वो पूरी तरीके से पाप नहीं है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा धर्म है, ऐसे वक्त में तुम उस विषय को लेकर आगे बढ़ोगे। जैसे हमारा कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है और पैर से कह के अगर बात नहीं मानता तो थोड़ा सा वहाँ पर क्रोध दिखाकर उसको समझाने की कोशिश करना, मतलब क्या है कि वहाँ पर क्रोध बुरा नहीं है, वहाँ पर किसी के अच्छे के लिए, हमारे बच्चे के अच्छे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से हमें लेना है। हमेशा ये सारी चीज़ें जो है वो बुरी होती है, ऐसा नहीं होता। इसकी ज़्यादा आसक्ति करना, इसका सिर्फ अपने मतलब फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ऐसी जो बातें होती है वही बुरी होती है। इसलिए विवेकशीलता से अगर हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हुए बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही अच्छे से जीवन को समझकर अपने जीवन में अच्छे कार्यों से अपने मोक्ष तक ज़रूर प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो इसके अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में जो भी और भी महत्वपूर्ण गुण कहे हैं या फिर महत्वपूर्ण बातें कही है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोस भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोस भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।